याद रखिए आप लोग, लास्ट क्लास में आप लोग भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन तक देख चुके थे। आपका राष्ट्रीय परिदृश्य चल रहा है। अब हम बात करेंगे मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना के बारे में। याद रखिए, इससे संबंधित आपकी जितनी भी क्लासें हैं, समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डली हुई है, ठीक है। और आगे जितनी भी क्लासें होंगी वो भी उसी में डाल दी जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं मणिपुर, मणिपुरी जल आपूर्ति, मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को राज्यों की साझेदारी के साथ शुरू किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि आपको जल जीवन मिशन कब प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, 15 अगस्त 2019 को, और किसकी साझेदारी से, राज्यों की साझेदारी से। इसका संचालन एक तरह से कौन करता है, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का जो जल शक्ति मंत्रालय है वही देखरेख करता है। कब तक हर घर में चालू घरेलू नल कनेक्शन पहुंचाना है, प्रदान करना है, तो याद रखना 2024 लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊं, 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य में पीने योग्य जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। ध्यान दें कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। इस परियोजना की कुल लागत 3,054.58 करोड़ रुपए है, जिसका वित्त पोषण यानी कि जिसकी मदद कौन करेगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB, ठीक है। मणिपुर वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य को काफी पहले वित्त वर्ष 2021-22 तक ही इस दृष्टि से 100% कवरेज की योजना बना रहा है। और याद रखिए, इसे कौन मदद कर रहा है, वित्त पोषित कौन कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसमें खर्च कितने, लागत की बात की गई है 3,054.58 करोड़, ये भी कई बार पूछ लेता है। अब बात करते हैं सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। सुपोषित माँ अभियान भारत में व्याप्त पोषण अल्पता को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। यानी कि एक तरह से कहने का मतलब है कि जो आप देखते हैं ना कि अल्पता, पोषण मतलब कुपोषण बच्चे होते हैं ग्रामीण बस्तियों में या गरीबी में आप देखते हैं, तो इसका सीधा सा लक्ष्य है कि उसे खत्म करना है। यह अभियान भावी पीढ़ियों को उत्तम स्वास्थ्य और उचित पोषण लाभ प्रदान करने के लिए चलाया गया एक तरह से। इसका उद्देश्य गर्भवती माताओं और नवजात शिशुओं का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। और आप सोचिए कि एक माँ को अगर अच्छी डाइट नहीं मिलती तो बच्चा भी कुपोषण मतलब बीमार कई तरह की बीमारियों से लैस पैदा होगा, समझ रहे हैं, कई मतलब उस बीमारियों में जकड़न रहेगी उसकी और आगे वो क्या कर पाएगा। तो एक लिए इसीलिए कहा जाता है एक माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वाभाविक ही स्वस्थ होगा। हाल ही में आप देखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा भामाशाह मंडी परिसर कोटा राजस्थान में सुपोषित माँ अभियान प्रारंभ किया गया है। याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी साहब के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा, ठीक है। इस अभियान के पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1,000 गर्भवती महिलाओं को 10 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराएगा। इस अभियान के तहत नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं दोनों को आच्छादित किया जाएगा। और इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत पायलट योजना के तौर पर 1,000 महिलाओं के साथ की गई है। बाद में से अन्य चरणों के तहत संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। सुपोषित माँ अभियान किट में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, मूंगफली, देसी घी, भुने हुए चने और अन्य पोषक आहार शामिल होंगे। इस योजना में एक परिवार की एक गर्भवती महिला शामिल होगी। याद रखिए, एक परिवार में एक ही गर्भवती महिला को एक तरह से इसका लाभ मिलेगा। इस योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसे इसका क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना को अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ समानांतर रूप से संचालित किया जाएगा, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो निर्मला सीतारमन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई।
इसका उद्देश्य कोविड 19 महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना है। तो याद रखना 1.70 लाख करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के घटक के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई है, तो इसे भी याद रखना है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इसका उद्देश्य अप्रैल से जून 2020 तक कोविड 19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस योजना के तहत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात देश की लगभग 2/3 आबादी को आच्छादित किया जाएगा, यानी कि अपने अंदर लिया जाएगा। इससे 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर 2020 तक विस्तारित करने की घोषणा भी की गई कोरोना महामारी को देखते हुए। जुलाई नवंबर 2020 तक की इस 5 महीनों की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि फ्री में। इसके साथ ही उन्हें प्रति माह 1 किलोग्राम चने की भी आपूर्ति मुक्त की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार पर 90 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। कोविड 19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना है। उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड 19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। जो आप एक तरह से कहिए कोविड 19 महामारी में लगे हुए हैं इलाज के लिए, जो भी डॉक्टर हो, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी हो, अगर उनकी एक तरह से इस हादसे से शिकार हो जाते हैं, वैसे आप लोग सभी प्रार्थना करिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, तो उन्हें कुछ ना हो, अगर हो जाता है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस विशेष बीमा योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। कोविड 19 महामारी से निपटने में लगे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र तथा अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 में पीएम जेकेवाई के तहत मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपए की वृद्धि की गई है, और जो 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपए प्रतिदिन हो गई है। पहले आप देखते थे कि 182 हुआ करती थी, लेकिन अब 202 रुपए हो गई। इससे देश के लगभग 13.62 करोड़ रुपए परिवार लाभान्वित होंगे। कितना? 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे इस योजना से। 100 या उससे कम कर्मचारी वाले ऐसे प्रतिष्ठान जिसमें 90% या उससे अधिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, ऐसे कर्मचारियों में ईपीएफ खातों में मई 2020 के दौरान उनके मासिक भत्ते की 24% राशि केंद्र सरकार द्वारा भुगतान का प्रावधान भी इस योजना के तहत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात कर लेते हैं। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से कोविड 19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में अपने गांव वापस लौटे प्रवासी कामगारों को हुई परेशानियों के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें रोजगार एवं राहत उपलब्ध कराने हेतु देश के संकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस परिप्रेक्ष्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई थी। किसकी? गरीब कल्याण रोजगार। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया है। याद रखिए कब? 20 जून 2020 को। यह अभियान अब प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से शुरू किया गया है। ये भी याद रखिए, कई बार पूछ लेगा, बिहार में आप अगर रहते हैं तो बिहार में भी पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है, और यूपीपीसीएस के लिए तो एक तरह से महत्वपूर्ण ही है सभी पॉइंट। बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलीहर ग्राम से शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य कोविड 19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गांव वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना, उन्हें अपने क्षेत्रों में आजीविका उपलब्ध कराना है, ठीक है। इस 125 दिवसीय अभियान को 6 राज्यों के 116 केंद्रों जिलों, यानी कि कहने का मतलब है 27 आकांक्षी जिले भी इसमें शामिल किए गए, प्रारंभ किया गया है, जो एक मिशन के रूप में काम करेगा। 6 राज्यों में 116 जिले, और आपसे अगर पूछे कि कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया इसमें, 27 को। इस अभियान के तहत केवल उन जिलों का ही चयन किया गया है
जिनमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक है। राज्यों का नाम हो गया, शामिल जिले हो गए, आकांक्षी जिले हो गए, एक क्रम सा 1, 2, 3, 4। बिहार पहले नंबर पर 32 जिले इसमें शामिल किए गए हैं, आकांक्षी जिले 12। ये भी आपका कई बार पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश, तो आपकी उत्तर प्रदेश पीसीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितना शामिल किए गए हैं, 31 जिले। इसमें से कितने आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है, 5। कितना, 5, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 जिलों को शामिल किया गया है, 4 आकांक्षी जिलों को शामिल किया। राजस्थान, राजस्थान आपका बात करें तो इसमें 22 जिलों को और 2 आकांक्षी जिलों को भी। उड़ीसा की बात करें तो 4 शामिल जिले हैं और 1 आकांक्षी जिले को। झारखंड की बात करें तो 3 को और 3 आकांक्षी जिले को। तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ठीक है। शामिल जिले 31 हैं और आकांक्षी जिले इसमें 5 हैं, ठीक है। कुल टोटल है आपके शामिल जिले 116 और 27 आकांक्षी जिले इसी में है, यही है 16 को मिला के, ठीक है। इन सभी को जोड़कर 16 है, ठीक है। इस अभियान के तहत 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना के निर्माण के लिए 25 लक्ष्य आधारित कार्यों का गहन और संगीत संकेंद्रित कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन 25 कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, पौधरोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण संपर्क का कार्य और सीमावर्ती सड़क कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र, मवेशियों के बड़े बाड़े इत्यादि को शामिल किया गया है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और परिणाम के समन्वय के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। कौन सा, ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु कुल 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। कितनी, 50,000। यह अभियान भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से संचालित की जाएगी। इसमें कितने आपके मंत्रालय और विभाग शामिल हैं, 12, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भी बाहर दिल्ली, सूरत, फिर चाहे आप लोग मुंबई, यहाँ देखते हैं आप लोग की प्रवासी के रूप में काम करने के लिए लोग जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम यानी कि आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है, इसे भी देख लेते हैं। ये आपकी यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। 26 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। कब, 26 जून 2020 को। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण कोई नई घटना नहीं हुई है, अधिकतर घटनाओं को आप देखेंगे कोरोना महामारी से जुड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे इससे, कोरोना महामारी से इससे जुड़ी जो भी प्रावधान हुए हैं, तो बड़े अच्छे से याद रखिए। ध्यान दें कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत ही आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। किसके, जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान था इसी के तहत इसे शामिल किया गया है प्रारंभ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वापस आए प्रवासी कामगारों को उनके ही क्षेत्र में हुनर एवं रुचि के आधार पर रोजगार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से 1.25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिक लाभान्वित होंगे। कितने, 1.25, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं अन्य कार्यक्रमों में 60 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं NIRF इंडिया रैंकिंग 2020, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी, 29 सितंबर 2015 से की गई थी, इस डेट को याद रखिए। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते हैं। एक अटल रैंकिंग आप देखते हैं, ये आपकी NIRF इंडिया रैंकिंग है। ध्यान दें कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। ये शुरुआत इसकी कब हुई थी, आप देखेंगे 29 सितंबर 2015 को, लेकिन इसका प्रथम जो संस्करण आया था 1 अप्रैल 2016 में जारी किया गया। 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण है। किस नंबर का है, 5वां संस्करण है। इसमें समग्र सारणी के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई।
साथ ही विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी स्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों का आधार दिया गया है आधार पर किया गया है। कौन कौन से? शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुंच एवं समावेशता और बोध। इस सर्वेक्षण में देश भर की सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है आपका, ठीक है। आगे है इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में 10 30 यानी कि टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थानों की बात करें तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। चेन्नई, इसे कितना स्कोर है इसका? 85.31 है। याद रखिए यूपी में जो हो उसी का आपको याद रखना है स्कोर, वरना स्कोर मुझे नहीं लगता है कि पूछा जाएगा आपका, फिर भी आपको लगता है कि पूछा जाएगा तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है जरूर कि इसमें पहला रैंकिंग कौन है? IIT मद्रास चेन्नई शहर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में ये आपका दूसरे नंबर पर है। IIT दिल्ली नई दिल्ली में है। IIT बॉम्बे चौथे नंबर पर, मुंबई। IIT खड़गपुर ये आपका 5वें नंबर पर, खड़गपुर में। IIT कानपुर कानपुर में है, तो याद रखिए 6वें नंबर पर है IIT कानपुर, तो आपसे पूछ लेगा इसकी रैंक स्कोर कितना है, 74.99। IIT गुवाहाटी 7वें नंबर पर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 8वें, IIT रुड़की ये आप देखते हैं रुड़की में है, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारसी 62.03 स्कोर है। तो इसमें पहले नंबर पर आपको याद रखना है मद्रास है, IIT मद्रास। अगर उत्तर प्रदेश की पूछे आपसे तो कानपुर आपका 6वें नंबर पर है IIT कानपुर, और 10वें नंबर पर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, ठीक है। NIRF की इस रैंकिंग में शीर्ष 10 उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों को IIT कानपुर को आप देख रहे हैं कि 6वां स्थान, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को आपको 10वें स्थान मिला हुआ है, ठीक है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलोर को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय। याद रखिए विश्वविद्यालय श्रेणी की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को नई दिल्ली को द्वितीय, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वाराणसी को तीसरा स्थान मिला हुआ है। विश्वविद्यालय श्रेणी में आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला हुआ है, पहले स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर है, ठीक है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान क्रमशः IIT मद्रास और IIT दिल्ली को मिला है। किसमें? इंजीनियरिंग श्रेणी में। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलोर को दूसरा स्थान मिला है। एक प्रबंधन श्रेणी की बात कर रहा हूँ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलोर को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान पर प्राप्त हुआ है। किसमें? विधि में, यानी कि कानून में। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को प्रथम स्थान मिला हुआ है। यह प्रथम अवसर है जब इंडिया रैंकिंग में दंत चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है, यानी कि कहने का मतलब है पहली बार दंत चिकित्सा संस्थानों को शामिल इसमें किया गया है। याद रखिए आपकी जो ई दृष्टि घटना चक्र आती है इसे मैं बहुत जल्दी कवर करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों के लिए मैंने देखा सोच के रख लिया है कि 2 से 3 दिन कहीं सब बंद है, सब जगह से एक तरह से मैं फुर्सत हूँ, आप लोगों के लिए इसे खत्म करवाने के बाद मैं दूसरा काम कहीं जाऊंगा, कुछ करूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग 2-3-4 दिन में के अंदर ही पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। खाना नहीं छोड़ सकता हूं, वरना आप सोचिए आवाज कहां से निकालेंगे, और सब काम बंद है आज, क्योंकि आप लोगों से वादा किया था तो उसे पूरा करूंगा। अब बात करते हैं द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 को। हाल ही में दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट याद रखना है, कौन जारी करता है? नीति आयोग। आप जानते हैं कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आया हुआ है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता को दर्शाती है। चूंकि वर्ष 2020 में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है, अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट को SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है।
मैं इतना ही कहूंगा कि सतत विकास जो 17 आपके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन्हें आप लोग रट लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि आंसर राइटिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है और प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, इंटरव्यू में भी आपके क्वेश्चंस बनते रहेंगे और निबंध में भी इनका आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट, अगर याद रखने योग्य तथ्यों की बात करें तो SDG सेकेंड 2.0, इंडिया इंडेक्स 2.0 के 100 संकेतक SDG में किस 16 लक्ष्यों को आच्छादित करते हैं, जबकि लक्ष्य 17 जो कि SDG की अंतिम लक्ष्य संख्या है को शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें केवल 16 को शामिल किया गया क्योंकि इस लक्ष्य के राष्ट्रीय संकेतक उपलब्ध नहीं थे, साथ ही ये अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। यदि किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र से 100 अंक प्राप्त किए हैं तो इसका अर्थ है कि उस राज्य ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। कहने का मतलब है कि 100 रैंकिंग बेहतर है सबसे और नीचे आएंगे आप लोग 0 पर तो सबसे बुरी है। SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 में भारत का संयुक्त स्कोर 60 रहा है, यानी कि कहने का मतलब है कॉमन कितना है 60 रहा है, जबकि 2018 के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में यह 57 था और अभी कितना है 60 है। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल स्कोर 70 का प्रथम स्थान रहा है, हिमाचल प्रदेश स्कोर 69 दूसरे स्थान पर रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी इंडेक्स आता है उसमें केरल आपका ऊंचे ही रहता है, यानी कि केरल बेहतर स्कोर में रहता है क्योंकि आप केरल की स्थिति जानते हैं। आपको शिक्षा में ले लीजिए, स्वास्थ्य में ले लीजिए, फिर चाहे आप लिंगानुपात में ले लीजिए, साक्षरता में लीजिए, महिलाओं की स्थिति में ले लीजिए, केरल आपको टॉप पर मिलेगा। ठीक है, अच्छी स्थिति है वहां। 3 राज्य जो कि वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग में आकांक्षी श्रेणी में थे, इस वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में पहुंच गए। ये राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश बिहार असम और पहले पर कौन है आपका? केरल हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए 2018 की SDG रैंकिंग के 29वें स्थान से SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 में 23वें स्थान पर मिला है। कहने का मतलब यह है कि 2018 में इसे 29वां स्थान मिला था उत्तर प्रदेश को, और 2020 में अभी जो नया आया हुआ है SDG इंडेक्स 2.0 इसमें आपका 23वां स्थान मिला है। कितना? 23वां, 33, माफ करिएगा 23, कितना? 23, 23। इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार भी किया है। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ का प्रथम वर्ष 2018 के SDG सूचकांक की भांति SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 में अग्नि 70 अंक की श्रेणी में, जबकि पुडुचेरी 66 अंक से ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, यह भी अग्नि श्रेणी में रहा है। समझ रहे हैं? तो इन्हें भी याद रखिए। श्रेणी राज्य आकांक्षी की बात करें कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन में बात करें तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, हरियाणा, नागालैंड, राजस्थान, चंडीगढ़, मिजोरम, असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड व बिहार। ये अच्छा प्रदर्शन करने वाली श्रेणियों में इन राज्यों को शामिल किया गया। अग्नि की बात करें कि और बेहतर, तो इसमें देखेंगे केरल पहले नंबर पर आप देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा एवं सिक्किम को शामिल किया गया। इन्हें भी याद रखिए। लक्ष्य प्राप्तकर्ता अभी दूर दूर तक कोई नहीं है, आने वाले समय में मालूम चलेगा इसके बारे में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो आकांक्षी जिले कोई नहीं है, अच्छा प्रदर्शन की बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अग्नि की बात करें और अच्छी की बात करें तो चंडीगढ़ और पुडुचेरी। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त करता कोई नहीं इसमें। अब आपके SDG लक्ष्य आधारित 30 राज्य संघ राज्य क्षेत्र हैं, इन्हें भी देख लीजिए। लक्ष्य एक में इन्हें आप लोग याद रख लीजिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बेहतर 0 गरीबी यानी कि 0 गरीबी। आप जानते हैं गरीबी खत्म हो जाएगी तो आप समझिए कि स्थिति सुधर जाएगी समाज की। तो इसमें कौन है? तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लक्ष्य 2 की बात करें तो 0 भुखमरी, तो इसमें गोवा, चंडीगढ़। लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। लैंगिक समानता, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। छठवां स्वच्छता एवं जल, स्वच्छ जल, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़। सातवां है वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, सिक्किम, पुडुचेरी। लक्ष्य 8 है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, तेलंगाना, चंडीगढ़। लक्ष्य 9 है उद्योग नवाचार और आधारभूत ढांचा, केरल, गुजरात,
दमन द्वीप, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली। लक्ष्य 10 है असमानता में कमी, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 11 है संवहनीय शहरी शहर और समुदाय, हिमाचल प्रदेश, गोवा, चंडीगढ़। लक्ष्य 12 में संवहनीय उपभोग और उत्पादन, नागालैंड, चंडीगढ़। लघु 13, लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई, कर्नाटक और लक्षद्वीप। लक्ष्य 14 में देखेंगे जलीय जीवों की सुरक्षा, कर्नाटक। लक्ष्य 15 में थलीय जीवों की सुरक्षा, सिक्किम, मणिपुर, दादरा एवं नगर हवेली और लक्षद्वीप। लक्ष्य 16 में बात करें शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। एक बार आप लोग इन लक्ष्यों को जरूर देख लीजिए। शून्य गरीबी, दूसरा लक्ष्य शून्य भुखमरी, तीसरा लक्ष्य क्या है आपका, तीसरा लक्ष्य आपका उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता। पांचवा, छठवा स्वच्छता एवं सर्वेक्षण, स्वच्छ जल। सातवां वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। नौवां है आपका उद्योग नवाचार और आधारभूत ढांचा। लक्ष्य 10 है आपका असमानता में कमी। और लक्ष्य 11 है समनीय शहर और समुदाय। 12 है आपका समनीय उपभोग और उत्पादन। लक्ष्य 13 है जलवायु कार्रवाई। और 14 है आपका जलीय जीवों की शुरुआत। लक्ष्य 15 है आपका थलीय जीवों की सुरक्षा। लक्ष्य 16 शांति और न्याय, सशक्त संस्थाएं। ये याद रखिए आपका 16 इसको शामिल किया गया है, इसमें 17वां शामिल नहीं किया गया है। और याद रखिए सभी 17 लक्ष्य आपके 2015 से 2030 के लिए हैं। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं। क्या बात बता दूं आप लोगों को, कि हम लोगों ने इस पर विस्तार से बात की थी, तो आपके इम्पोर्टेंट वीडियो वीडियो पर ISPCS के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची है, उसमें डला हुआ है, वहां जाकर आप देखते रहिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट सूची में जाकर देखिए। मुझे लगता है कि इतना मटेरियल दे चुका हूं आप लोगों को, कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, फिर चाहे आप लोग स्टेट PCS वन डे एग्जाम, जो GS और GK का पोर्टल है, पार्ट है, उसे पूरी तरह से आपका खत्म करवा चुका हूँ। आप देखिए NCERT पूरी कवर कर चुका हूँ। क्या चाहते हो आप लोग, समझ रहे हैं, इतना बहुत हो जाता है, समझ रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20, तो कम दिखाई दे रहा हो तो इसलिए हमने दिखाने वाले। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फसाई। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस सूचकांक को पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। 2019-20 का सूचकांक अपने क्रम में दूसरा है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें शामिल मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी, और उपभोग सशक्तिकरण को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें याद रखने योग्य तथ्य है कि 7 जून 2020 को, 7 जून 2020 को दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक बेबी ये आपका बेबी बेबिनार के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया है। वर्ष 2019-20 के सूचकांक में देश के 36 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें 100 अंकों के कुल में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर एक तरह से शीर्ष बड़े राज्यों की बात करें हम लोग, तो गुजरात पहले नंबर पे है 78.25, तमिलनाडु 74.9, महाराष्ट्र की बात करें तो 72.75। याद रखिए ये आपके आधार पर बड़े राज्य हैं। क्या है बड़े राज्य? बड़े राज्य में गुजरात को पहला स्थान। छोटे राज्यों की अगर बात करें हम, तो गोवा 83.5 भी, और मणिपुर 64, मेघालय 60। संघ राज्य क्षेत्रों में बात करें तो चंडीगढ़ 73, दिल्ली 78, अंडमान निकोबार द्वीप 67। इस वर्ष सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों की बात करें तो मिजोरम छोटे राज्यों में, झारखंड बड़े राज्यों में, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में। तो यहाँ ये रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ऊपर कौन रहा है, सभी राज्यों में 36 राज्यों को मिलाकर टॉप पर कौन रहा है, तो आप कह दीजिए सिक्किम, क्योंकि आप देख रहे हैं सिक्किम को कितना मिला हुआ है, माफ करिए सिक्किम नहीं, गोवा। क्या वो सिक्किम आजकल बहुत
सिक्किम का बताया कि जैविक खेती करने वाला पहला राज्य, इसलिए आजकल सिक्किम ज्यादा कुछ चर्चा में रहता है। तो गोवा को कितना मिला हुआ है, 83.5। अगर आपसे पूछे कि बड़े राज्यों में पूछे तो गुजरात पहले नंबर पर, छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पर, संघ राज्य क्षेत्रों में पूछे तो चंडीगढ़ पहले नंबर पर। अगर आपसे नीचे के टॉप में पूछे तो मिजोरम छोटे राज्यों में, झारखंड बड़े राज्यों में, और संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करेंगे। हम लोग द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2020-21 में आकांक्षी भारत थीम के अंतर्गत तुलिप, यानी कि कहने का मतलब द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। घोषणा के अनुसार सरकार एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है जिसमें देश भर के शहरी स्थानीय निकाय एक वर्ष तक अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। और इस प्रकार का कार्यक्रम द्वारा भारत जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में विश्व की बड़ी बड़े कार्यशील आयु आबादी के रूप में अग्रसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें याद रखने योग्य तथ्यों की बात करें तो 4 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी हरदीप सिंह पुरी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से अपनी तरह के पहले द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। इन तीनों ने मिलकर किया है, याद रखिए। कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराएगी। ये स्मार्ट सिटी का ही एक तरह से हिस्सा है। वर्ष 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक 2025 तक 1 करोड़। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए MOHUA और AICTE के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहायता AICTE और गैर तकनीकी सहायता MOHUA द्वारा प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। COVID-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं तथा रेडी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरुआत की गई है। तो डायरेक्ट यही पूछ लेगा आपसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार किन लोगों के लिए, तो आपको बता देना है कि जो पथ विक्रेता यानी कि रोड पर जो लगाते रहते थे, जो अपना सामान बेचते रहते थे, और दूसरा रेहड़ी वालों के लिए। ठीक है, उनकी आजीविका चलाने के लिए। एक तरह से 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई, जिसे पीएम स्वनिधि योजना के नाम से भी आप लोग जान जाएगा। ठीक है, तो इसे दोनों को याद रखिए, किसी भी रूप में पूछ सकता है। किसने जारी किया, किसके द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। कब? 1 जून 2020 को। यह एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जो COVID-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऋण ले सकेंगे वो लोग। इस योजना के द्वारा लाभार्थियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सरकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और SHG बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा या इनसे ऋण ले सकते। इस योजना का कार्यकाल मार्च 2022 तक रहेगा। कब तक? मार्च 2022 तक रहेगा। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलें, पथ विक्रेता अपनी आजीविका के साधन पुनः करने के लिए प्रारंभ करने के लिए अधिकतम ₹10,000 तक का कार्यशील पूंजी का ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी अदायगी एक वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से की जाएगी। यानी कि अधिकतम ₹10,000 ऋण ले सकते हैं। समय पर या समय से पहले अदायगी पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थियों बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण माध्यम से जमा की जाएगी। समय से पूर्व ऋण चुकता करने पर कोई अर्थदंड नहीं लगेगा। डिजिटल लेनदेन पर ₹100 प्रति माह, अधिकतम ₹1,200 प्रति वर्ष की दर से नगदी वापसी कैशबैक प्रोत्साहन भी है। प्रथम ऋण की समय पर या समय पूर्व अदायगी पर ऋण सीमा में वृद्धि का प्रावधान भी है। 29 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पीएम स्ट्रीट
वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि पोर्टल के बीटा संस्करण की को लॉन्च भी किया गया। उद्देश्य उल्लेखनीय है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी पीएम स्वनिधि योजना हेतु कार्यान्वयन साझेदारी है। शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता परी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में से आए विक्रेता शामिल हैं जो 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व फेरी लगा रहे थे, वे इस योजना में शामिल किए करने के पात्र भी हैं। तो यह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई के बारे में। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड, रांची कहाँ है, झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आप लोग पीएम जेएवाई के नाम से जानते हैं या फिर कह देते हैं पीएम जेएवाई, ठीक है, का शुभारंभ किया गया था। यह विश्व में सबसे बड़ी पूर्णता सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो कब इसकी स्थापना एक तरह से कब शुरू किया गया था, 23 सितंबर 2018 को, कहाँ से, रांची झारखंड से, ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ लिया था कि कहाँ से शुरू की गई थी आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना भी कहते हैं इसे आप लोग। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया था। और याद रखिए कि 21 मई 2020 को तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किए गए हैं। कितने? 1 करोड़ उपचार प्रदान किए गए हैं। और इस उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए खुले मंच के रूप में वेबिनार श्रृंखला आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन भी किया है। आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना ना होकर निम्नलिखित दो बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संयोजन है। पहली कौन सी है इसमें? स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, यह आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। कितनी? 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों यानी कि लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीय और तृतीय स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए का तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। एक समझिए, परिवार में प्रत्येक परिवार के लिए है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है ये, प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज, एक तरह से 5 लाख तक का अगर बीमारी में कोई खर्च आता है तो उससे फायदा मिलेगा आप लोगों को। एबीपीएम जेएवाई के अंतर्गत वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना द्वारा डाटा पर आधारित है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निर्वासित 10.74 करोड़ गरीब कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यवसायिक श्रेणियों वाले नगरीय सेवकों के परिवारों को कवर किया जाएगा। एक बात और आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना है इसे आप लोग बड़े विस्तार से पढ़ लीजिए, और हम लोगों ने भी आपकी जनगणना कवर की हुई है, क्योंकि अभी जो जनगणना आपके आंकड़े 2011 के, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देखा जा रहा है कि हर साल क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, और 2021 की जनगणना आएगी तो उसे भी हम लोग कवर करवा देंगे। फिलहाल अभी यही महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों बुजुर्गों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु बीमा कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक ही सीमित रहेगा। योजना में पात्र व्यक्ति सरकारी एवं निजी अस्पतालों पैनल में सूचीबद्ध दोनों में से किसी भी में इलाज करवा सकता है। एक अच्छी बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इसमें शामिल किया गया। एबीएनएचपीएम को लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस योजना में केंद्र व राज्यों का योगदान 60:40 होगा। केंद्र एवं राज्यों का योगदान कितना होगा? कहने का मतलब है कि 60% योगदान केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। वहीं आप देखेंगे तीन पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यों की बात करें तो 90% कौन देगा? केंद्र सरकार, और 10% राज्य सरकार। इसीलिए तो आप देखते हैं कि पहाड़ी राज्यों को और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों को बहुत बड़ा मतलब एक तरह से मदद मिलती है।
आप समझिए 10% ही खर्च करना पड़ता है, बाकी 90% कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। फिर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एक बहुत बड़ी योजना अभी चलाई गई है। इसमें मछली पकड़ना और मत्स्य पालन भोजन पोषण और आय और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक, लगभग आप देखेंगे 2.5 करोड़ मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को आजीविका प्रदान करता है, तथा मूल श्रृंखला में इसमें इससे दुगने यानी कि 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। कौन सा? मछली पकड़ना, इस तरह के जो भी आपके मत्स्य पालन होता है, समझ रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल सकल मूल वर्धन ये आप देखेंगे कितना है, 2,12,915 करोड़ रुपए चालू आधार मूल्यों पर है। कितना? 2,12,915 रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए। यह राशि राष्ट्रीय जीबीए का 1.24% है, कृषि क्षेत्र के जीबीए का 7.28% है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों की आय दोगुना करने की अभूतपूर्व क्षमता निहित है। आगे इसके से संबंधित कुछ नए प्रमुख तथ्य कौन से हैं? 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। कब? 20 मई 2020 को। मत्स्य क्षेत्र में आप देखेंगे कितना, एक सेकंड, कुछ नहीं दिखने वाला है तो मैं हूं ना दिखाने के लिए, किस लिए बैठा हुआ, इसीलिए तो बैठा हूं। देखिए इसमें आप देखेंगे मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए आपका 20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि से प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य संपोषणीय है और उत्तरदायी विकास द्वारा नीली क्रांति, यानी कि आप देखते हैं ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति लाना है। इसमें कितना खर्च किया जाएगा? ये 20,050 करोड़ रुपए। कितना? 20,050 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि होती है। 20,050 करोड़ रुपए की कुल निवेश में से केंद्र सरकार का हिस्सा ये आप देखेंगे 9,407 करोड़ रुपए होगा। केंद्र का कितना हिस्सा होगा इसमें? 9,407 यानी कि 9,407 करोड़ रुपए। और राज्य सरकारों के हिस्से की बात करें तो इसमें होगा 4,880 करोड़ रुपए, और लाभार्थियों का योगदान कितना होगा इसमें? 5,763 करोड़ रुपए। तो ये तीनों मिलकर इस योजना को एक तरह से मजबूती प्रदान करेगी। केंद्र सरकार 94,07 करोड़ रुपए, और यानी कि कहने का मतलब 9,407 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, और राज्यों का कितना हिस्सा होगा? 4,880 करोड़ रुपए। लाभार्थियों का योगदान कितना होगा इसमें? 5,763 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षीय अवधि यानी कि 2020-21 से 24-25 के दौरान सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। कब तक? 5 वर्षीय यानी कि 2020-21 से 2024-25 तक। इसमें PMMSY के कार्यान्वयन के 2 प्रमुख घटक होंगे, कौन कौन से? क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्र की योजना और दूसरी होगी केंद्र प्रायोजित योजना। पहली केंद्रीय क्षेत्र की योजना, दूसरी केंद्रीय प्रायोजित योजना। केंद्र सरकार की योजना के तहत आप देखेंगे 1,720 करोड़ रुपए का परिव्यय केंद्र सरकार करेगी। इसके तहत संपूर्ण परियोजना परियोजना खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, यानी कि पूरा पैसा केंद्र सरकार लगेगी। जबकि क्या केंद्र प्रायोजित यानी केंद्र प्रायोजित योजना की बात करें हम लोग, तो इसमें परिव्यय होगा आपका 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। कितना? 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। क्या होता है कि कभी कभी आप जब स्कैन करते हैं तो ये थोड़ा छूट जाता है, तो एक आध ही पेज में ऐसा होता है। वैसे तो कोशिश रहती है कि पूरा वो करवाया जाए। PMMSY के तहत सभी उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यवसायिक प्रोत्साहन देने के लिए आपका देखेंगे आप लोग की ब्रूड बैंक का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मत्स्य प्रजातियों में अनुवांशिक सुधार
करने, और आप देखेंगे झींगा का ब्रूड स्टॉक बनाने और ऑर्गेनिक मत्स्य पालन का संवर्धन करने तथा जल कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय बीडिंग सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। किसकी? नाभिकीय बीडिंग सेंटर की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, यानी कि कहने का मतलब है PMMSY का लक्ष्य भारत मत्स्य उत्पादन को मौजूदा जो आपकी क्षमता है 2018-19 में एक कितनी है 137.58 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 2024-25 में से 220 लाख मैट्रिक टन करना है। कितना? 2024-25 में 2020 लाख मैट्रिक टन करना इसका उद्देश्य। अन्य प्रमुख लक्ष्यों की बात करें इसमें तो हम लोग मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना, कृषि जीवीए में मत्स्य की जीवीए के योगदान को 7.28% से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 9% करना, मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टर है इसे वर्ष 2024-25 तक बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टर करना, घरेलू मत्स्य उपयोग को वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। याद रहे कि वर्तमान में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालन देश है और चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक भी है, यानी कि बेहतर भी है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिए, इस तरह के पॉइंट पूछ लेता है कई बार। आगे बात करते हैं हम लोग PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ठीक है, 2017 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, यानी कि जिसे आप लोग क्या कह देते हैं संपदा, ठीक है, को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यानी कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है PMKSY। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका देखरेख कौन करेगा? एक तरह से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन सभी परियोजनाओं का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक एकीकृत कोल्ड चैन, मूल संवर्धन अवसंरचना, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल हेतु बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन विस्तार, मानव संसाधन और संस्थान और पश्च्य एवं आज्ञा संपर्क का सृजन तथा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे को विकसित करना है। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने तथा लोगों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने का कार्य करती है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में खाद्य प्रसंस्करण बाजार में $322 बिलियन था, जो वर्ष 2020 में कितना हो गया है $543 बिलियन हो जाएगा, और 2016 में कितना था $322 बिलियन। वर्ष 2020 के अंदर तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि दर 14.6% हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वचालित मार्ग के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि FDI की अनुमति भी है। ठीक है, अब बात करते हैं वधा वन में नया प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान में देश में कुल आपकी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें आप देखेंगे इस तरह को याद रखिए, इनको 12 प्रमुख हैं, जिनमें दीनदयाल बंदरगाह कांडला मुंबई, JNPT मोरमुगाव गाओ, न्यू मंगलोर कोचीन चेन्नई, कामराजार पहले इन्नौर कहते थे, BO चिदंबर नार विशाखापत्तनम, पारादीप कोलकाता हल्दिया से। ठीक है, इस नाम के 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नई प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह होगा। ठीक है, कौन से नंबर 13वां ये बंदरगाह होगा। इस बंदरगाह को लैंड लॉर्ड्स मॉडल के आधार पर विकसित किया जाएगा। याद रहे कि प्रमुख बंदरगाहों को विकास प्रमुख बंदरगाहों जो प्रमुख बंदरगाह है आपके
इनका विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और छोटे अगर बंदरगाहों की बात करें तो राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। तो याद रखिए, जो आपके प्रमुख बंदरगाह हैं इनके विकास का काम कौन देखता है? केंद्र सरकार। और जो छोटे हैं इनका बंदरगाह राज्यों के अधीन आते हैं। ठीक है, वधावन में बंदरगाह को स्थापित करने के लिए आप देखेंगे इसमें 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। कितनी? 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इस बंदरगाह के विकास के लिए एक वित्तीय प्रायोजन वाहन का गठन किया जाएगा जिसमें जवाहरलाल नेहरू पतन न्यास सबसे बड़ा साझेदार होगा। इसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक होगी। कितनी? 50% से अधिक होगी। विशेष प्रयोजन वाहन बंदरगाहों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगी जिसमें पुनर्निर्माण, नए निर्माण और एवं जलमार्ग का निर्माण भी शामिल है। वधावन बंदरगाह का विकास आप देखेंगे 16,000 से 25,000 TEUs क्षमता वाले कंटेनर पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह JNPT के रूप में विद्यमान है। यानी कि कहने का मतलब है जवाहरलाल नेहरू पतन न्यास है आपका। अब बात करते हैं इतिहास से, बोडो समझौता हुआ है, आप लोगों ने देखा है। असम राज्य के जनजातीय समुदाय में बोडो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। असम की कुल जनसंख्या में बोडो जनजाति का प्रतिशत लगभग 5 से 6% है। बोडो अल्पसंख्यक समूह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के उत्तरी क्षेत्र में केंद्रित है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में बोडो को एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता भी दी गई है। पहाड़ी और मैदानी जनजातियों में संख्यात्मक आधार पर सबसे बड़ी जनजाति होने के बावजूद अधिकतर बोडो आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अतः अपनी निजातीय पहचान, संस्कृति, भाषा आदि की सुरक्षा के लिए अलग बोडोलैंड राज्य की मांग स्वतंत्रता के पूर्व से ही वर्षों से की जाती रही है और अभी भी कर रहे हैं लोग। एक बात याद रखिए, कई बार पूछ लेगा आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोडो जनजाति अभी चर्चा में थी, किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है ए असम से। ठीक है, कहां से? असम से। इसके बारे में अभी जो घटनाएं हुई है उन्हें भी जान लेते हैं। 27 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार, असम सरकार तथा बोडो प्रतिनिधियों के मध्य नई दिल्ली में तीसरा स्थायी समझौता बोडो समझौता संपन्न हुआ है। इससे पूर्व फरवरी 1993 और फरवरी 2003 में दो बोडो समझौते संपन्न हुए थे। तो पहला अगर आपसे पूछे तो फरवरी 1993 में, दूसरा फरवरी 2003 में और अभी जो करंट में हुआ है 27 फरवरी 2020 को। इस पिस्तौल समझौते के अंतर्गत 1500 सशक्त बोडो उग्रवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में वापस लौटेंगे। कितने? 1500। BTC यानी कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नया नाम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन रखा गया है। BTR संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत 4 जिलों कोकराझार, चिरांग, उदलगुरी और बक्सा में विस्तारित होगा आपका। ठीक है, इन 4 जिलों के बारे में थोड़ा अच्छे से याद रखिए। ऐसे गांव जो कि बोडो जनसंख्या बहुल है और BTR के में शामिल नहीं है उन्हें BTR में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे गांव जो बोडो जनजाति बहुल नहीं है उन्हें BTR से हटाया जाएगा। BTR में जनजातीय जनसंख्या को शामिल करने या बाहर करने की शंका का बाहर करने के संबंध में सिफारिश देने के लिए संविधान की 6वीं अनुसूची में कि अनुच्छेद 14 के तहत एक आयोग का गठन भी किया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बोडो जनजाति को बोडो हिल जनजाति का दर्जा भी दिया जाएगा। असम सरकार द्वारा बोडो भाषा को देवनागरी लिपि में समृद्ध आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया जाएगा। साथ ही असम सरकार बोडो माध्यम के स्कूलों हेतु एक पृथक निर्देशालय का गठन भी करेगी। पिस्तौल समझौतों के तहत BTR को पहले से अधिक विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। BTR के बाहर स्थित बोडो बहुल गांव के विकास हेतु बोडो कछारी कल्याण परिषद का गठन भी किया जाएगा। तो यह आपका ऐतिहासिक जो बोडो समझौता संपन्न रहा है। याद रखिए, इस तरह के समझौते हो जाना चाहिए। आप सोचिए, हमारे देश को अंदर ही अंदर लड़ना पड़ रहा है, अंदर ही हमारे यहाँ प्रॉब्लम खड़े हो रही, तो बाहर हम लोग कहाँ निपट पाएंगे? तो अंदर की जो भी समस्याएं इन्हें खत्म कर देना चाहिए, फिर चाहे आप देखते हैं नक्सलवादी कोई भी समस्या है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश।
तीन राजधानियां हैं। आपने सुना होगा कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाने की बात की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के समग्र विकास के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जी एन राव की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था और राज्य के समान विकास के लिए जी एन राव समिति ने सिफारिश की कि राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तीन शहरों विशाखापत्तनम, अमरावती, कुरनूल को राजधानी के रूप में गठित किया गया। आप समझिए कि किसकी अध्यक्षता में, तो याद रखना जी एन राव, ठीक है, जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं उसी के एक तरह से उसी में एक काम कर चुके हैं, आईएएस अधिकारी थे। और इसकी कौन कौन सी तीन शहरों को राजधानी बनाया जा रहा है, विशाखापट्टनम, अमरावती, कुरनूल, ठीक है। इसके बारे में और भी तथ्य है, 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य में तीन राजधानियां बनाने की योजना संबंधी आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 को पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब जैसे शहर तो आप तीन रट लेंगे, लेकिन आपसे पूछेगा कि आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम। अगर आपसे पूछे कि विधायी राजधानी कौन सी है, तो ए अमरावती। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, विधायी अधिकारी विधायी राजधानी अमरावती, और न्यायिक राजधानी की अगर पूछे तो कुरनूल है, ठीक है, इन्हें याद रखना। विधेयक के तहत राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का भी प्रावधान है। सरकार द्वारा आंचलिक योजना और विकास बोर्ड स्थापित करने की का भी प्रस्ताव है। 27 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के उत्साधन हेतु एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह निर्णय आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयकों को विधान परिषद में पारित ना करा पाने के संदर्भ में लिया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा देखते हैं ना आप लोग, इसी तरह कई राज्यों में आप देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद भी आपको देखने को मिलेगी, तो आंध्र प्रदेश में भी है और आप देखते हैं कि उसमें भी तेलंगाना अलग हुआ था उसमें भी है, जम्मू कश्मीर में था तो उसमें अभी देखिए आगे आने वाले दिनों में मालूम चलेगा, क्योंकि आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो अब विधानसभा जम्मू कश्मीर में होगी लेकिन विधान परिषद खत्म है वहां से, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश में भी है 100 सदस्य हैं, ठीक है। गैर सेड उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसके बारे में भी याद रख लीजिए। उत्तराखंड आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। गैरसैंण, 8 जून 2020 को उत्तराखंड सरकार द्वारा गैरसैंण भराणी सैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्म यानी कि गर्मियों की राजधानी बनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई है। इस संदर्भ में 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की स्वीकृति से अधिसूचना जारी की गई है। इससे पूर्व 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2020-21 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा बजट सत्र 3 से 6 मार्च 2020 का आयोजन गैरसैंण में किया गया है, ठीक है, पहली बार यही किया गया है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य जिसकी अपनी स्थायी राजधानी की घोषणा से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा राज्य जिसकी 20 वर्षों से अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, अर्थात देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है जब से उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं रायसीना संवाद, ये भी आप देखते हैं चर्चा में बना रहता है। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्यान दें कि रायसीना संवाद के पहले 4 संस्करण सफलतापूर्वक क्रमशः वर्ष 2016, 17, 18, 19 में आयोजित किए गए हैं। कब 16, 17, 18, 19 में। 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये 5वां था 2020 में हुआ। जो उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर काम किया जाता है। इन दोनों को याद रखिए, कौन जारी करता, कौन कराता है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF भी कह देते हैं, और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा। इस संस्करण का विषय
ये आप देखेंगे 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था, इसका एक तरह से क्या था, थीम कह सकते हैं आप लोग, इसे भी याद रखिए। 14 जनवरी 2020 को पांचवें संस्करण का उद्घाटन भाषण, उद्घाटन भाषण ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो संदेश के माध्यम से किया है। पांचवें संस्करण के उद्घाटन सत्र में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। इस वर्ष 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने रायसीना संवाद में प्रतिभाग भी किया है। 100 से अधिक देशों के 700 से अधिक प्रतिनिधियों ने, और इसमें स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख वैश्विक हस्तियों में न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन किलार्ड, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजई, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ट्स, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री एंडर्स रासमुसेन, भूटान के पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग तोपे और दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान सियोंग सू आदि शामिल थे। विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित होने वाले रायसीना संवाद सिंगापुर के सांगरी ला संवाद से प्रेरित थे, ठीक है, याद रखिए। 14वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, जिसे आप लोग असर 2019 अर्ली ईयर्स के नाम से भी जानते हैं, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से संचालित एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है, 2005 से शुरू चल रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की आसान पाठ पढ़ने और बुनियादी गणित करने की क्षमताओं का आकलन भी किया जाता है। इसी क्रम में हाल ही में जारी असर अर्ली ईयर्स नामक रिपोर्ट 4 से 8 वर्ष की आयु बच्चों के पर केंद्रित है। इसमें बच्चों के स्कूलों में नामांकन और उनकी क्षमताओं से संबंधित सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। नया क्या जुड़ा हुआ है, इन्हें देखिए। 14 जनवरी 2020 को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक और द्वितीयक शिक्षा की शीर्षस्थ गैर व्यवसायिक संस्था प्रथम द्वारा 14वीं एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2019 अर्ली ईयर्स जारी की गई है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को 0 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। असर 2019 अर्ली ईयर्स के तहत भारत के 24 राज्यों के 26 जिलों में कुल 1514 गांव का सर्वेक्षण किया गया, कितना, 1514 गांव का, 24 राज्यों से लिए गए हैं, 26 जिलों से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी जिले को भी सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। आपका यूपीपीसीएस के लिए जरूरी है, कौन कौन से 2 जिलों को शामिल किया गया पूछ लेगा, तो लखनऊ वाराणसी में, ठीक है। असर जो आपकी 2019 रिपोर्ट है, इसमें किन किन को शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश की, लखनऊ वाराणसी को। असर 2019 रिपोर्ट का सर्वेक्षण 4 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक भाषा, प्रारंभिक गणित, सामाजिक और भावनात्मक विकास की गतिविधियों पर केंद्रित रहा है। असर 2019 के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 4 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के 90% से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकित हैं। स्कूल में जहां 4 वर्ष के 91.3% बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया है, वहीं 8 वर्ष के 99.5% बच्चे नामांकित हैं। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य इसके असर से, ठीक है। तो अभी इस क्लास में हम लोग असर ही तक रहने देते हैं, आगे हम लोग कोलकाता पतन न्यास का पुनर्नामकरण किया गया उसके बारे में बात करेंगे, और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य अगली क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।